स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हमारा मॉड्यूल 4 रनिंग में है, जिसका जो हमारा M4R5 के नाम से जाना जाता है। और इस मॉड्यूल का हमारा नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये जो हमारा पूरा सिलेबस मॉड्यूल है, ये हमारा नाइलेट के थ्रू डिज़ाइन किया गया। जो अभी ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस है, टोटली उस पर बेस्ड है। इससे प्रीवियस की क्लासेज में हमारा चैप्टर नंबर 1 रनिंग में था, और चैप्टर 1 की रनिंग के साथ ही आज ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा और उनके नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास में टॉपिक चैप्टर नंबर 1, जिसका की नेम आप जानते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशंस मॉडल, जिसमें से काफ़ी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन IoT, यानी IoT में हम कौन कौन से टूल्स का यूज़ करके एक डिवाइसेस के लिए किस तरह से हम IoT डिवाइस क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम उन्हें कम्युनिकेशंस के लिए प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो उनके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, वो सब हम आज की क्लास में देखने जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट टूल्स यूज इन IoT में जो हमारे एक IoT डिवाइस को बनाने के लिए जो जो टूल्स हमारे यूज में लिए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जैसे कि हमारा Arduino हो गया, ठीक है, Eclipse IoT, Platform IO, IBM Watson, Raspbian, OpenSCADA, Node-RED और डिवाइस HiVivo, ठीक है। ये सभी टूल्स हमारे IoT की डेवलप करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं, जिनके के बारे में आज हम हमारी क्लास में पढ़ेंगे। Arduino, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा Arduino Arduino is an open source prototype and simple to use IoT platforms. Arduino क्या है? हमारा एक open source prototype है, जो simple way में IoT platforms को use करने के लिए हम इसका use में लेते हैं। Arduino एक तरह से क्या है? एक motherboard है, एक board की तरह है, जो कि हमारे user से data capture कर रहा है, उसे process करना और output के लिए उस पर work करना, ये सब हमारा उस Arduino पे work किया जाता है। Arduino operates through a set of hardware specification that can be applied to interactive electronics. ठीक है, Arduino क्या है? हमारे जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड जो हमारे एक तरह से मान ले सेट्स होते हैं ना, उनके माध्यम से जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के साथ हमारा ये डिवाइस क्या करता है, वर्क करता है, जो कि इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का किस वे में अच्छे तरीके से यूज करना चाह रहे हैं ना, आप डिवाइसेस को Arduino से कनेक्ट करवाते हैं और उसके थ्रू अपने प्रोग्राम्स रन करवाते हैं Arduino के सॉफ्टवेयर पे। Arduino का जो हार्डवेयर रन कर रहा है, उन सबसे मैच करके आपकी जो IoT डिवाइस बनती है वो हमारा इस ये Arduino कहलाता है। देखिए, Arduino अभी आपको समझ में नहीं है, बट जैसे जैसे हम IoT की क्लासेस में आगे समझ लेंगे, आपको पता चलेगा Arduino आखिर है क्या और ये किस तरह से एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये हमारा Arduino का लोगो है और साथ ही साथ ये हमारा Arduino का चिप बोर्ड होता है। ये क्या करवाता है, इसके पे जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें हम Arduino के थ्रू प्रोग्रामिंग लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं और उनको ही वायर से कनेक्ट करके एक तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हमारा Arduino क्या करवाता है, हमारे IoT डिवाइस डेवलपमेंट करवाने के लिए मेन वर्क करने का काम ये Arduino करवाता है। ठीक है, एक तरह से इस तरह से बोर्ड होता है, इस पर ही क्या करवाते हैं हम वायर्स कनेक्ट करवाना, प्रॉपर प्रोग्रामिंग करवाना, IoT डिवाइस को कनेक्ट करवा के रन करवाना, ये सब इसके थ्रू ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा Eclipse IoT। इसका लोगो हमारा ये है IoT Eclipse। इफ यू एज एन IoT डेवलपर आर ओरिएंटेड टू बिल्ड IoT डिवाइस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड गेटवेज, देन Eclipse IoT कैन बी योर टॉप प्ले। अगर आप एक IoT डेवलपर है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाने वाले डेवलपर है, बनाने वाले हैं, है ना, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, Eclipse IoT प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करवाता है, आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाता है, गेटवेज अगर आप बनाना चाहते हैं ना, जैसे आपने क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, आप इस तरह के डेवलपर हैं IoT जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, है ना, कोई ना कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म भी बनाता है, कोई ना कोई गेटवेज के लिए भी प्रोग्रामिंग करता है, तो अगर आप उस टाइप के डेवलपर्स हैं तो आप Eclipse IoT का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
allowing you to develop, promote, and adopt open source IoT technologies. Eclipse IoT is an instrument that can help you gain technical expertise. देखिए हमारा ये जो Eclipse IoT है, ये क्या करता है, ओपन सोर्स में टेक्नोलॉजीज को आपस में डेवलप करवाना, उन्हें आगे प्रमोट करना या किसी भी डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन करवाना, और इसी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी IoT फील्ड्स पर आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करवाना चाहते हैं, तो आप Eclipse IoT का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ये सभी हमें आगे जो हमारे डेवलपमेंट टूल्स हैं IoT में वो ही होते हैं. धीरे धीरे हम जैसे इन पे वर्क करेंगे तो हम डिटेल्स भी इनके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी चैप्टर नंबर 1 में हमारा इनका केवल थ्योरी है जो मैं आपको डिस्क्राइब करवा रही हूँ. सिंपली एक्सप्लोर द वास्ट असेंबली ऑफ सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड बाय द एक्लिप्स टीम्स एंड यू आर ऑल कवर्ड. एक्लिप्स की जो टीम है, इस टीम द्वारा क्या की जाती है, बहुत सारी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है. कुछ प्रोजेक्ट्स क्या करवाए जाते हैं, एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हैं, अपनी IoT डिवाइसेस डेवलप करना, जो भी आपका एक पर्टिकुलर गेन में एम है ना, उसके अकॉर्डिंग जाना. ये हम सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, Eclipse IoT के थ्रू होता है. Eclipse ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटफॉर्म IO, जिसका हमारा लोगो ये है प्लेटफॉर्म IO ORG. ठीक है, प्लेटफॉर्म IO इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म IoT डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. प्लेटफॉर्म IoT क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, एक तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना, कि आपके सारे डिवाइसेस भी प्रॉपर वे पे वर्क करेगी और यूजर्स काफी अच्छे तरीके से इंटरेक्शन भी इसमें करता है. ठीक, दिस प्लेटफॉर्म कम्स विद अ बिल्ड सिस्टम सपोर्टेड बाय अ लाइब्रेरी मैनेजर एंड IDE. यह जो प्लेटफॉर्म हमें दिया जाता है IoT डिवाइसेस को डेवलपमेंट के लिए, तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, एक पहले से बिल्ड सिस्टम है, क्या आप इस प्रोसेस को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपनी IoT डिवाइस बना सकते हैं. और इसमें क्या दी जाती है, एक सपोर्टेड लाइब्रेरी दी जाती है, उसको मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर मैनेज किया जाता है उस लाइब्रेरी को, और उस लाइब्रेरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने IoT प्लेटफॉर्म्स को अच्छे तरीके से, IoT डिवाइसेस को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उस पर, और अपने प्रोग्राम्स बहुत ईजी वे में प्लेटफॉर्म IO के थ्रू भी बना सकते हैं. द बेस्ट पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म IO इज दैट इट इज कंपैटिबल विद मोर देन 200 बोर्ड्स, कमिंग विद अ वंडरफुल डीबगिंग इंटीग्रेशन. ठीक है, इसका जो बेस्ट हमारा पार्ट है प्लेटफॉर्म IO का, ये है कि ये 200 से ज्यादा बोर्ड्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उन पर रन कर जाता है इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू, उन पर प्रॉपर वे में रन कर जाता है, जो क्या करती है, बहुत अच्छे तरीके से हमें डीबगिंग यानी हमारे एरर्स को रेक्टिफाई करवाने में बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्प करता है प्लेटफॉर्म IO के थ्रू, अगर हम IoT डेवलप करते हैं तो. नेक्स्ट आता है हमारा IBM वैटसन. IBM Watson का लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पे. An API that allows you to attach a host of cognitive computing features to your IoT application. यह क्या है, एक तरीके से एक API यानी आपके applications के रूप में इस पर वर्क किया जाता है, जो क्या करता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से होस्ट से कनेक्ट करवाने के अकॉर्डिंग हमारे जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड यानी कंप्यूटेशन से रिलेटेड जो भी हमारे फीचर्स होते हैं IoT applications पे, वो हम इस IBM Watson के थ्रू क्या करवा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिवाइसेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं. यानी एक तरह से आपको प्लेटफॉर्म दे रही है एप्लीकेशन बनाने का बहुत ही सिंपल वे में. ठीक है, तो ये हमारा होता है IBM का, IBM Watson का. ठीक है, दिस इज एन इनोवेटिव टूल दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. ये बहुत ही अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या करवाता है, अगर आप फ्यूचर की भविष्यवाणी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम किस पे भी किसका यूज करते हैं, हमारे इस IBM Watson के थ्रू बनाए गए डिवाइसेस का ही हम यूज में लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए IoT जो हमारा वैटसन था ये बहुत ही अच्छा है डेवलपर, सरल तरीके से इसके थ्रू बनाया जाता है, IoT पे वर्क किया जाता है, डेवलपर्स बहुत सिंपल वे में IBM Watson पे वर्क करके अपनी IoT डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. और ये बहुत से चैट बॉक्स के लिए भी हमारी हेल्प करवाता है, कुछ चैट बॉक्स होते हैं इसमें जो कि क्या कर सकते हैं, नेचुरल जो लैंग्वेजेस होते हैं उन्हें भी समझ सकते हैं इसके थ्रू बनाए गए IoT डिवाइसेस. फिर इन चैट बॉक्स को क्या किया जाता है, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और एक वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, अवेलेबल करवा दिया जाता है, ताकि सारे डिवाइसेस उनको रीड कर सके, उस मैसेजिंग चैट बॉक्स के थ्रू जो टेक्स्ट है, जो लैंग्वेजेस है उसको समझ सके. ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पबिन, ठीक है। रेस्पबिन हमारा IoT, इसका सबसे पहले आप लोगो देख लीजिए, ये हमारा इसका लोगो है। दिस OS इज क्रिएटेड फॉर रेसबेरी पाई बोर्ड बाय IoT टेक एंथुजियास्ट, है ना। जो भी IoT बनाने वाले न्यू जो बनाना चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ IoT डिवाइस ही बनानी है ना, वो नॉर्मली क्या करते हैं, इस रेस्पबेरी पीआई बोर्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, अपने IoT डिवाइसेस क्रिएट करते हैं। इसके थ्रू क्या करवाते हैं, वो अपनी मोस्टली IoT डिवाइसेस को क्या करवाते हैं, क्रिएट करवाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का यही मोटिव होता है कि हाँ मुझे एक अच्छा डेवलपर बनना है, IoT डेवलपर बनाना है, तो वो मोस्टली किसका यूज करते हैं, रेस्पबिन का ही यूज में लेते हैं। विद ओवर 35,000 packages and numerous examples along repeat installation with the use of pre-compiled software makes it an essential IoT development tool, ठीक है। ये क्या है, लगभग यह जो आपका सॉफ्टवेयर है, हमारा रेस्पबिन है, ये बहुत तेजी से इंस्टॉलेशन के साथ साथ 35,000 से भी अधिक पैकेजेस और उनके एग्जाम्पल के साथ ये आवश्यक IoT विकास, IoT जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके डिवाइसेस को बनाने में हम रेस्पबिन का यूज लेते हैं। 35,000 पैकेजेस से ज्यादा आपको इसमें कुछ पैकेजेस मिल जाएंगे, 35,000 से भी ज्यादा, है ना। आप उनसे क्या कर सकते हैं, अपने IoT बहुत अच्छी तरीके से IoT के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ओपन SCA स्कैडा, ठीक है। स्कैडा आपको देखिए इस तरह का लोगो है ओपन स्कैडा का। दिस टूल इज अ पार्ट ऑफ स्कैडा प्रोजेक्ट्स बाय एक्लिप्स IoT इंडस्ट्री ग्रुप। ये क्या है, हमारा ये जो हमारा डिवाइस है ना, जो ये है डिवाइस हमारा ओपन स्कैडा, ये एक्लिप्स IoT जो हमारा इंडस्ट्री ग्रुप है उसके द्वारा स्कैडा प्रोजेक्ट का ही क्या है, एक तरीके से हिस्सा है हमारा ओपन स्कैडा, ठीक है। इट इज एन इंडिपेंडेंट टू एनी प्लेटफॉर्म एंड इज नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, अलॉन्ग विद द मॉडर्न डिजाइन, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक तरीके से या किसी भी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक तरह से क्या है, हर एक प्लेटफॉर्म पे क्या इंडिपेंडेंट है, यानी हर प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है ना, और अपनी जो सिक्योरिटी है और इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये जो भी लेटेस्ट मॉडर्न डिजाइन है उसके लिए भी क्या जाना जाता है, ये प्लेटफॉर्म हमारा, ये हमारा डिवाइस जाना जाता है ओपन स्कैडा। जो भी लेटेस्ट मॉडर्न डिजाइन या IoT डिवाइसेस डेवलप किए जा रहे हैं वो नॉर्मली ओपन स्कैडास पे भी के थ्रू भी वर्क किए जाते हैं, उनके थ्रू भी डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा है हमारा ओपन स्कैडा और आपने देखा भी किस तरह से रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा नोड रेड, ठीक है। लोगो आपने इसका देख ही लिया, अब इसके हम बारे में डिटेल देख लेते हैं। नोड रेड इज अ सिंपल विजुअल टूल दैट इज बिल्ट ऑन node.js, अ सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म दी इज वाइडली यूज्ड इन IoT प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा नोड रेड क्या है, एक बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, यहाँ पे दैट आएगा, इसको हम अभी करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, दैट है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये दैट हो गया, ठीक है। ये क्या है, देखिए नोड रेड क्या है, हमारा बहुत सरल यानी बहुत सिंपल विजुअल टूल है IoT प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, IoT पे वर्क करने के लिए, जो किसने किया है, node.js पर बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है, node.js पे बनाया जाता है, जो क्या है, एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही वाइडली रूप से IoT की परियोजना या उसके लिए यूज में लिया जाता है, हमारा नोड रेड, है ना। नोड रेड क्या है, एक सिंपल बहुत ही सिंपल विजुअल टूल है जो किसके थ्रू किस पे बनाया जाता है, node.js पे बनाया जाता है, जो कि सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म है उस पर इसको IoT प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम नोड रेड का यूज करते हैं। इट इज एन ओपन सोर्स टूल मेनली यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस सर्विसेज एंड APIs टुगेदर विद एन इंटीग्रेटेड ब्राउजर बेस्ड फ्लो एडिटर। अब ये जो हमारा बता रहा है, ये क्या, एक ओपन सोर्स टूल है, ओपन सोर्स आप जानते हैं, फ्री टू यूज है सभी के लिए, जिसका यूज मुख्य मेन रूप से किसके लिए, जो भी आपके डिवाइसेज है, सर्विसेज है, APIs है, उनको एक एकीकृत ब्राउजर पर
अब ब्राउजर आधारित किसी फ्लो एडिटर के साथ जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, नोड रेड का यूज किया जाता है। जो भी आपकी डिवाइसेज आईओटी में यूज हो रही है, सर्विसेज हो रही है, जो भी आपकी एप्लीकेशंस है, उन्हें एक ब्राउजर बेस्ड फ्लो एडिटर पर कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोड रेड का यूज कर सकते हैं, ताकि बहुत प्रॉपर वे में आपकी डिवाइसेज कम्युनिकेशन ईजी वे में हो सके। लास्ट एट हमारा डिवाइस हाइव, देखिए डिवाइस हाइव हमारा एट लास्ट है, इसका हम फ्लो सॉरी लोगो एंड इसका यूज देख रहे, देखिए बहुत से फील्ड्स में इसका यूज किया जा रहा है डिवाइस हाइव्स का। ये भी बहुत ही अच्छी है। डिवाइस हाइव इज अ फ्री ओपन सोर्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क विच वॉज लॉन्च इन 2012। डिवाइस हाइव क्या है, फ्री टू ओपन सोर्सेज है, यानी कोई भी इसे फ्रीली यूज कर सकता है, सभी के लिए फ्री है, ओपन सोर्स का प्लेटफॉर्म है ये, जो कि किसी के लिए मशीन टू मशीन, यानी एक मशीन दूसरे मशीन से किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रही है, ठीक है, तो वो किस में हो रहा है हमारा डिवाइस हाइव की जो डिवाइसेज है उनके थ्रू ही हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, मशीन टू मशीन, एक मशीन दूसरे मशीन से प्रॉपर वे में, इजी वे में, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, इसके जो डिवाइसेज होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, जो कि कब लॉन्च हुआ है, 2012 में। इट इज जनरली अ क्लाउड बेस्ड एपीआई दैट यू कैन कंट्रोल रिमोटली विदाउट द नीड द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। यह क्या है, नॉर्मली क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड हम जानते हैं वर्चुअल रूप से एक जगह स्टोर होता है डेटा, ठीक है, वर्चुअली आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स होता है जिनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो हमारा डिवाइस हाइव का जो प्लेटफॉर्म्स है, ये हमें क्लाउड बेस्ड एपीआई प्रोवाइड करवाता है। ऐसी एप्लीकेशन है जो कि क्लाउड बेस्ड होती है और जिसको कि क्या कर सकते हैं, आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोटली यानी आप कहीं दूर से क्या कर सकते हैं, उस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके लिए आपको बार बार नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। तो डिवाइस हाइव से बने के आईओटी प्रोग्राम्स इस तरह से आपके वर्क करते हैं। मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, मेनली इसका सिक्योरिटी में यूज किया जाता है, ऑटोमेशन, स्मार्ट होम स्टैक एंड सेंसर्स, इनमें किसका यूज होता है, डिवाइस हाइव की आईओटी प्लेटफॉर्म्स का यूज लिया जाता है। तो ये था हमारा आईओटी में जो डेवलपमेंट टूल्स हैं उनके बारे में स्मॉल डिटेल्स। ब्रीफ में हम इनके आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें धीरे धीरे आपके कवर होते जाएंगे, बट अभी आपको आइडिया लगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट टूल्स होते हैं आईओटी के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।